गारंटी है कि यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं बताया होगा और कहीं आप नहीं पढ़े होंगे। एक टीचर बोल रहा है, बगल में कोचिंग चलाता है, कि राकेश खाल ट्रिक है, ट्रिक पता हम पढ़ देखते नहीं है, क्या बताते हैं, ट्रिक का पढ़ाते हैं। हम चोटा कहीं का, जिस दिन तुम बटाएगा ना हमसे, जिस दिन खोपचा में टेबल हो तो खरगोश एकदम सीधे, जानते नहीं खत हमारा क्या, अभी तो आओ कही हमारे बटा। तो चलाता है बगल में कोचिंग, कमेंट करता है, उसके बारे में कुछ नहीं कमेंट नहीं करते, कमेंट करता है बार बार, जिस दिन तुम बटाएगा ना खोपचा समझ रहा खोपचा, हमने कहा चल लगड़ा खोपचा, चल जो है खोपचा मटा जीबे नो, तो यह तो बम बम कर दे समझ जो, तो शांत रहो ठीक बा। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आप सभी के लिए मैं ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ कि इस ट्रिक से ऐसे ऐसे सवालों को एकदम धुआं धुआं कर देंगे हम लोग, एक सेकेंड में आंसर आएगा ये सवाल का, एक सेकेंड में। और ये ट्रिक यूट्यूब पर अभी तक कोई टीचर नहीं बताया होगा, मैं लिखित दे रहा हूँ, ठेप्पा मुहर मार लो, ठेप्पा मुहर मार लो कि ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताया होगा। अगर कोई बता दिया होगा तो मैं पढ़ा लिखना छोड़ दूंगा, ये 100% गारंटी है सर आपको। मैं यहाँ पर ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कि इस सवाल को आप लोग मात्र एक सेकंड में आंसर निकालोगे सर, ठीक है। देखो आप लोगों का जो ये मॉडल पेपर निकला है बिहार बोर्ड का ना, जो मॉडल पेपर निकला है उसमें भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदु दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है, तो ये दोनों को जोड़ने वाली रेखा जो होगी ना उसको ये जो बिंदु होगा किस अनुपात में काटेगा सर, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक सेकंड में आंसर निकालेंगे। आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, किया आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे होंगे, m1 x2 और प्लस m2 x1 और बाटा m1 + m2, यही पढ़े होंगे ना विभाजन सूत्र। और फिर यहाँ पर m1 y2 और प्लस फिर यहाँ पर m2 y1 और बाटा में सर m1 + m2, यही ने पढ़े होंगे आप लोग, ये जो विभाजन सूत्र है, अंतर विभाजन सूत्र है। तो इस सूत्र का कोई काम नहीं है सर, इस सूत्र का कोई काम नहीं है, यदि हमसे पढ़ रहे हो तो बिना सूत्र का इसका आंसर लिखेंगे, एक सेकंड में आंसर आएगा गारंटी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस तरह से बनता है और किस प्रकार से आप एक सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, देखो बोल रहा है कि बिंदु दे रखा है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये जो है ना किस अनुपात में बांटता है। चलो पहले मैं इसे ही करता हूँ, ये आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु क्या है आपका बी है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं एक रेखा से तो एक बिंदु बीच में पी आता है, तो किस अनुपात में काटता है। आप लोग सवाल बनाए होंगे और इस पर बैठाए होंगे तब नहीं आंसर आता है आप लोगों का। मैं आपको दे रहा हूँ एकदम जौहर ट्रिक, जौहर ट्रिक क्या है देखो, एक सेकंड में इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे हम लोग। कहाँ है डॉक्टर बाबा, कहाँ है रे, हाँ डॉक्टर बाबा यहाँ पर, देखो इसका कोई काम नहीं है सर। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना उसे देखो ध्यान से, देखो इसका देखो अनुपात निकालना है, जब भी अनुपात निकालना हो ना तो इसका फर्स्ट लिखो x वाला कितना है आपका -3, इसका एक्स वाला कितना है 4 है, ठीक है। इन दोनों के जोड़ने वाला है सर, ये दोनों के जोड़ने वाला के एक्स वाले को लिख लेंगे तो -3 आई 4। इसका देखिए जो काट रहा है ये किस अनुपात में बांट रहा है, तो इसका एक्स वाला कितना है 2 है, तो आराम से यहाँ पर 2 भर देंगे, हो गया काम, आंसर आ गया है। चलो अब करना क्या है, घटाव करना है, यहाँ से इसमें घटाव करना है सर और फिर यहाँ से इसको घटाव करना है, आंसर आ गया। देखो 3 में -3 में से 2 घटाएंगे, -3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो -5 बन जाएगा, तो -5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। बट्टा -3 में से 2 घट गया -5, अब इस 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे 4 को कितना आएगा -2 और बट्टा -2 भर देंगे, ये माइनस से माइनस कट गया, अब 5/2 मतलब 5:2 इसका आंसर आ गया। देख लो अनुपात हो गया सर, हाँ इतना आसान है, ये सबसे बच गए हम लोग। अच्छा ये ट्रिक सीख कर का आपको फायदा होगा मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा कोई कोई लड़का बोलेगा कि सर आप एक सवाल लेकर कर दिए हैं, थोड़ा वाई वाला जो है 5 है 9 है इसको लेकर करिए, उसका भी आएगा देख लो। और कोई चाहता है कि नहीं हई लो पहले तो आप वाई वाला लिखो, 5 लिखो, इसका वाला कितना है 9 लिखेंगे, -9 इसका वाई वाला कितना है भाई -5 भर दो, वही काम करना है सेम, इस 5 में से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे, तो बताओ 5 में से अगर -5 घटाओगे
पाँच में से घटाव करना है माइनस पाँच को, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा कितना होगा आपका दस हो जाएगा, ठीक है प्लस का दस बन जाएगा, तो यहाँ दस भर दो और बाटा में माइनस पाँच में से माइनस नौ घटाना है, यानी माइनस पाँच पहले से है और माइनस नौ घटाना है, तो क्या बन जाएगा माइनस पाँच और प्लस कितना आपके नौ, यानी चार बन जाएगा प्लस का बाटा में चार, इसे काट दो, दो पाँच दस दो यानी क्या चार, यानी कितना आ गया पाँच और पाँच दो आ गया, दोनों आंसर सेम ही हो गया सर। अब बताओ इस बात को आप समझ गए हो, यदि ट्रिक सीख गए हो तो आप किसी एक से वाले को लो वाई वाले को लो दोनों से करोगे तो आपका अनुपात क्या आएगा सेम ही आएगा, और ये सब काम हम लोग माइंड में ही कर सकते हैं, घटाने और जोड़ने का काम हम लोग माइंड में ही कर सकते हैं सर। देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना आपके यूट्यूब पर सर, गारंटी है कि यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं बताया होगा और कहीं आप नहीं पढ़े होंगे। एक टीचर बोल रहा है बगल में कोचिंग चलाता है कि राकेश खाली ट्रिक है, ट्रिक पता हम पढ़ देखते नहीं है, क्या बताते हैं ट्रिक का पढ़ाते हैं, हम कहते चोटा कहीं का, जिस दिन तुम बैठाएगा ना हमसे, जिस दिन खोपचा में टेबल हो तो खरगोश एकदम सीध दे, जानते नहीं खत हमारा क्या, अभी तो आओ कही हमारे बता, तो चलाता है बगल में कोचिंग आ कमेंट करता है, उसके बारे में कुछ नहीं कमेंट नहीं करते, कमेंट करता है बार बार, जिस दिन तू बैठाएगा ना खोपचा समझ रहा खोपचा, हमने कहा चल लड़ा खोपचा चल जो है खोपचा मिटा जी बनो, तो यह तो बम बम कर दें समझ जो, तो शांत रहो ठीक बा। देखो यहाँ पे बिंदु क्या है आपका माइनस तीन और पाँच है, चार माइनस नौ है, ये दोनों के जोड़ रहा है कौन, दोनों के जोड़ने वाले को कौन काट रहा है, काट रहा है, तो कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार समझिए करना क्या, यहाँ माइनस तीन भरना है, यहाँ चार भरना है, पहले एक वाला इसका भी एक सवाल दो भरना है, घटाव करो माइनस तीन में से दो घटेगा माइनस पाँच हो जाएगा, दो में से घटेगा चार माइनस चार हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, कट गया अंतर आ गया आपका पाँच बटा दो, पाँच अनुपात दो, बताओ कितना समय लगेगा, बताओ कितना समय लगेगा, बताओ ये ट्रिक समझ गए हो। अच्छा अब कहेगा एक लड़का कहेगा रहा सर कमेंटों में सर इतना शॉर्ट बनाएंगे तो हम लोग का नंबर वा मिलेगा ना, सब्जेक्टिक में आएगा तो हेंगा बनाएगा तो नंबर नहीं देगा मास्टर बात होके, तो देखो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, और सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप बनाओगे फार्मूला से, लेकिन यदि आपको ट्रिक मालूम है तो मान लो कि फार्मूला से आंसर आ गया, यदि आपको ट्रिक मालूम है तो ट्रिक से आप मन ही माइंड से आप इसको आंसर निकाल कर चेक कर लोगे कि हाँ जो हम बनाए हैं तो वो आंसर वह सही है कि नहीं है, तो ट्रिक आपका ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम करेगा और सब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, कि सब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा तो इससे बना लेंगे हम लोग, और जो आंसर आएगा ना वो हम उसको हम लोग खुद सेल्फ चेक कर लेंगे अपने आप से फॉर्मूला इस ट्रिक से कि उतना आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो सही है, ये तो आपका एक सेकंड में बन जाएगा। तो देखो अब फार्मूला वाला जो है ना लड़का किस तरह बनाता है, लड़का इस तरह बनाता है, देखो इसी सवाल को किस तरह बनाते हैं, यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर बी हो गया ठीक है, ए बी इसका दिया है माइनस तीन और पाँच, इसका दिया है कितना चार माइनस नौ कामा करके ठीक है, ये दोनों को जोड़ रहा है कौन आपके बिंदु पी, पी दो का मारे पाँच रे भाई, देख किस अनुपात में बांट रहा है, तो या तो एक सवाल लो या तो वाई वाला लो ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर एम और एन अनुपात में बांट रहा है, तो एम एन का सूत्र तुमने पढ़ा होगा, एम एन का एम एम और एम वन मानो एम वन और एम टू ठीक है, एम और एम टू ठीक है, ये चलो हम मानते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक ठीक है, अब यहाँ भरेगा तो एक्स वाला के लिए क्या होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटा एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, अच्छा एक्स निर्देशांक इसका कितना बताओ दो है, दो भर दिए, फिर एम वन कितना है, एम वन का मान नहीं मालूम है, एम वन एक्स टू कितना है चार है ठीक, प्लस एम टू कितना है, एम टू का नहीं मालूम है ठीक है, एक्स वन कितना है तो माइनस तीन, यहाँ मान भरोगे ना यहाँ पे, फिर बटा एम वन प्लस एम टू गुणा करेंगे तो क्या होगा आपके टू एम वन प्लस टू एम टू हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एम वन गुणा करेंगे माइनस थ्री एम वन एम टू, इस तरह हो जाएगा ना। अब यहाँ पर एम वन वाले को एक साइड करेगा टू एम वन आई फोर एम वन किधर लेके आएगा तो माइनस फोर एम वन बराबर माइनस थ्री एम टू इसको उधर भेजेगा तो माइनस टू एम टू हो जाएगा ठीक है, घटाएंगे तो आपके फोर एम वन हो जाएगा बराबर माइनस फाइव सॉरी यहाँ पर फोर टू एम वन में से अगर फोर एम वन घटेगा टू एम वन यहाँ घटाए माइनस तीन को माइनस दो को माइनस फाइव एम टू ये कट गया, अगर एम वन बटा एम टू निकालोगे तो पाँच हो जाएगा है या दो चलेगा नीचे पाँच बटा दो आ गया आंसर। तो देखो अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग इस तरह बनाएंगे या तो एक्स को लो या तो वाई को लो ठीक है, एक्स या वाई किसी को लेकर बना सकते हो, आंसर कितना आ गया पाँच बटा दो। अब हम लोग ये बना लिए तो हमको ये चेक कर लेना है, तुरंत चेक करना है कि भाई उतना आ रहा है कि नहीं,
जिस तरह हम ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से चेक करना है कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि पूरा सर्टिफाई हो जाएगा कि हाँ हाँ ये हमारा पूरा आंसर पूरा 100% श्योर हो जाएगा कि मेरा ये आंसर सही है। तो ये ट्रिक आपके सब्जेक्टिव के लिए भी काम करेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। लड़का बोलता है सर ये ट्रिक सब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, कहाँ नहीं काम करेगा भाई, ट्रिक याद रहेगा तो आपको हर जगह उसके काम करेगा। अच्छा इसको बनाओ, देखो बोल रहा है बिंदु इतना और इतना, ये बिंदु है, दो बिंदु है, इसको जोड़ रहा है कौन, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक कामा छः किस अनुपात में बांटता है। कुछ नहीं करना, लो ट्रिक से बनाते हैं, ट्रिक भाई राकेश कुमार। देखो पहले इसका एक्स लिखो भाई, माइनस तीन इसका एक्स लिखो कितना छः, माइनस तीन इसका एक्स और छः इसका एक्स, और इसका एक्स वाला कितना वैल्यू दिया है आपके माइनस वन है। अब करना क्या है सर, हैं घटाना हैंगन, तो अगर माइनस तीन में से अगर माइनस एक घटेगा तो माइनस दो बचेगा और बट्टा, ठीक है माइनस दो बचेगा, और माइनस एक में से छः घटाएंगे तो आपका माइनस सात हो जाएगा। लो आंसर आ गया इसका 2:7, बोलो समझ में आया है। अगर आप इस सवाल को इस फॉर्मूला से बनाओगे ना तो आपका आंसर इतना ही आएगा। अच्छा कोई कोई कहेगा कि नहीं सर वाई से कीजिए, तो देखो वाई कितना है तो 10 है, ये 10 हो गया, इसका वाई कितना है माइनस आठ है, ठीक है इसका वाई कितना है तो ये 6 है, 6 इसका आगे भरेंगे घटाएंगे, अगर 10 में से घटाएंगे 6 तो 4 बचेगा, ठीक है अगर 6 में से घटाएंगे माइनस 8 तो 14 हो जाएगा। अब काट दो का हो जाएगा, दो दुनिया का 4 2 7 14, देख लो आंसर आ गया 2:7, सेम ही आंसर आ गया। तो इस ट्रिक से आप लोग बहुत कम सेकंड में निकाल सकते हो, मन ही में कर सकते हो, ठीक है आपका एक सेकंड से दो सेकंड में इसका आंसर रहेगा। बताओ ये ट्रिक आप लोग से मैं ये इतना पूछना चाहता हूँ कि बताओ ये ट्रिक आपके यूट्यूब पर इस ट्रिक से कोई टीचर बताए हैं क्या, आपको पढ़ाए हैं क्या, क्या ये पढ़े हो क्या, इस तरह से बताओ आपको ऐसा मालूम है। अभी और ट्रिक आपको हमने बता रखा है, वो भी ट्रिक पे मैं आपको बताऊंगा, तो बताओ इस आप लोग कमेंट करके बताना कि ट्रिक कैसा था और ये ट्रिक आप लोग पहले जानते थे कि नहीं जानते थे। इस पर एक हम यहाँ पर एक और वीडियो बनाकर दिया हूँ आप लोगों को, तो शायद आप लोग वीडियो देखे भी होंगे। तो ये ट्रिक बहुत लड़के बोल रहे हैं सर बताइए ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव के लिए भी काम करेगा आपका किस तरह से, तो चेक करने के लिए आंसर कि आंसर सही है कि नहीं है। तो ये ट्रिक आप लोगों का कैसा लगा है कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को सभी दोस्तों में एकदम आग के तरफ फैला देना है, ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।